गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव ऑड और इंटीजर, देखिए हम सीधा पहले इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे फिर आते हैं। बच्चों आपको नंबर्स तो पता होंगे, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। उसके बाद होल नंबर्स आपने पढ़े हैं, ये 0 से शुरू होते हैं, वैसे ही होते हैं इंटीजर्स जिसमें माइनस से लेके प्लस तक के सभी नंबर शामिल होते हैं, -5, -4, -3 ऐसे करते करते फिर 0, फिर 1, 2, 3, मतलब माइनस से लेकर प्लस तक के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। तो वो बोल रहा है, बात कर रहा है किसके बारे में, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि पहले तो हमें नेगेटिव वालों को छोड़ देंगे, हमने केवल पॉजिटिव वालों की बात करनी है, और उसमें भी केवल ऑड नंबर्स की बात वो कर रहा है। यानी ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ऐसे ऑड नंबर्स की बात कर रहा है पॉजिटिव में, कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये इनकी फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी इनको हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में बदल सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कोई नंबर एक उठा लेते हैं, सिंपल सा एक नंबर उठा लेते हैं, जैसे 7, तो आप देखेंगे 6 1 6, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 7 को हमने बदला किस में, 6 × 1 और प्लस रिमाइंडर 1, 6 1 6 + 1 कितना हो गया, 7। वैसे ही एक नंबर और ले लेते हैं, 13, 6 × 2 = 12, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 और प्लस 1। तो देखिए, तो इसको अगर मैं क्यू मान लूं, और ये तो रिमाइंडर है आर, तो ये 6q+1, देख रहे हैं आप, 6q+1, तो 6q+1, 6q+3, अब एक और नंबर ले लेते हैं 9, 6 1 6, रिमाइंडर बचेगा 3, तो देखिए 6 × 1 + 3, तो ये अगेन 6q+3 में बदला, इसको q मान लो अगर मैं, क्वेश्चेंट, ये क्वेश्चेंट होता है, तो q 6q+3 बन रहा है। ऐसे ही एक 11 को चेक कर लेते हैं, 6 1 6 5, तो ये आ जाएगा कितना, 6 × 1 + 5, आप देख रहे हैं 6q+3, 6q+5, 6q+1। तो वो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव जो नंबर है, इनमें से आप कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव कोई सा भी नंबर नहीं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, कि वो इसमें बदल जाते हैं, इन सब में बदल जाते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर उठाइए, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा, मैंने 13 लिया, तो 13 को बदला तो 6q+1 में बदला, 7 भी 6q+1 में बदला, 9 को 6q+3 में बदला, 11 को 6q+5 में बदला। तो आप देख रहे हैं जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं, 11, 13, 7, ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में ही बदल रहे हैं। तो ये बात आपको प्रूफ करके बतानी है, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, जो भी नंबर हमने यहाँ पे बदला, आपने देखा होगा हमने उसको बदला इस तरह से, 6 1 6 और प्लस 1 आया, तो मैंने लिखा 6q+1, फिर 6 1 6 और प्लस 3 भी आया था, ये तो 7 के लिए आया था, 9 के लिए आया था, तो इसको फिर से मैं मैच करूं, तो ये 6q+3, देख रहे हैं आप यहाँ पे 6q+3, और एक और नंबर था उसमें 6 1 6 और प्लस वो 5 में बदल रहा था, जो 11 बन रहा था हमारा, तो 6q+5। आप देख रहे होंगे रिमाइंडर तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन ये जो 6 है यहाँ पर, ये वाला, ये सबके साथ एक जैसा है। और ये होता क्या है, ये होता है अपने यूक्लिड डिविजन लेमा जो पढ़ी होगी, ये होता है क्वेश्चेंट, ये होता है डिवाइजर, और ये होता है रिमाइंडर, ये तो आपको पता है ना।
तो यानी अगर हमें ये फाइंड करना हो डिविडेंड, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर उसमें ऐड करते हैं। आपको पता है जैसे ये 11 है, तो ये कैसे आया था, 6 1 6 और 5 रिमाइंडर, तो 11 कैसे आएगा कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिमाइंडर ऐड करेंगे, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता या डिवाइजर के बराबर ही हो सकता है, वो डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता, वो डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए। देखिए कैसे, देखिए हम क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन की शुरुआत के लिए इसको समझना जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए 11 है, 6 1 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। रिमाइंडर में कभी भी ना तो 6 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है, मतलब 6 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं आ सकता और ना ही 6 आ सकता है। क्यों, सपोज कीजिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़िए आप, इसको इसको फोकस मत कीजिए, केवल यहाँ पे फोकस कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 6 आ गया, तो ये तो फिर से डिवाइड हो जाएगा एक बार और, तो 0 आएगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पर 6 की जगह पे 7 होता, तो मैं इसे एक बार और डिवाइड कर लेता तो रिमाइंडर 1 बचता ना, तो कुल मिला के रिमाइंडर ना तो डिवाइजर के बराबर हो सकता है ना उससे बड़ा हो सकता है, वो हमेशा इससे छोटा ही होगा। और अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो ये जो फॉर्मेट दे रखा है, ये जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, जो फॉर्मेट दे रखा है, इसमें ये जो नंबर है 6, ये ही डिवाइजर है, यानी वो इसी से डिवाइड कर रहा होगा क्वेश्चन को, जो हम जिससे भी वो डिवाइड कर रहा है, जो भी वो बदल रहा है, भाई ये है तो कोई नंबर ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये नंबर बदले इस फॉर्म में, तो ये है तो असल में ये किसी नंबर की वैल्यू, जैसे ये 7 की वैल्यू है इस फॉर्म में बदल दी, 9 की वैल्यू इस फॉर्म में बदल दी, तो ये जो वैल्यू है ये किसी ना किसी नंबर की फॉर्म है, ठीक है, तो उस नंबर को जो डिवाइड किया गया है वो 6 से डिवाइड किया गया, ये कहने का मतलब। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि 13 जो नंबर है उसको 6 से डिवाइड किया, तो जैसे मैंने 13 को बदला, देखिए तो 6 × 2 + 1 किया, इसका मतलब 13 को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, वो यहाँ पर से भी पता चल सकता है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैंने 13 के लिए लिखा क्या 6 × 2 + 1, इसका मतलब है इस नंबर को देख के आप पता लगा सकते हैं कि 6 से डिवाइड किया गया इसको, तो वैसे ही यहाँ पर जो 6³ + 1 दे रहा है या 6³ + 3 दे रहा है, इसका मतलब है कि 6 से उसको डिवाइड किया गया होगा। तो अगर 6 से डिवाइड किया गया है तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा उस नंबर को डिवाइड करने का, वो बच सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस 6 तो नहीं आ सकता। भाई जो भी हमने पॉजिटिव, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमने पॉजिटिव और इंटीजर लेना है, इसमें से आप किसी को भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो 6 से कर रहे हैं, और उसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर, वो ये बच सकता है, ठीक है। तो यहां से अब हमने क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू हो चुका है, ठीक है। हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि कोई भी नंबर, सपोज कीजिए कोई नंबर था ए, उसको बदला जा सकता है BQ+R की फॉर्म में, यानी कोई नंबर जो आता है वो BQ+R, मतलब वही कि डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर में ऐड करते हैं, तो इस फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे 13 को हमने इस फॉर्म में बदला, उसमें ये जो नंबर है B, ये हमें पता है कि ये 6 है, क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें नहीं पता, तो हमने कर लिया सपोज लेट एक नंबर है A जिसको हमने बदला 6³ + R में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पर इस R की वैल्यू इन सारे रिमाइंडर्स के लिए रखनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लिखेंगे R = 0 के लिए, तो ये हो जाएगा 6³ + 0 = 6³, ठीक है। अब जे 6³ को क्या हम 2 × 3³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और आपको पता है कि कोई भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमेशा बनता है क्या, इवन, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ पे 15 आ गया, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो भी इसने इवन बनना है, इवन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो भी इसने इवन बनना है। तो यहां पर ये 3q कुल मिलाकर क्या बनता है, 3 के साथ q का मल्टीप्लाई होने पर क्या बनता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा उसने बनना क्या है, इवन। तो आपने देखा जैसे ही मैंने रिमाइंडर 0 रखा वैसे ही मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, इवन, समझ गए आप।
जैसे ही हमने रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखी, जीरो, वैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ गया इवन। अब जरा इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब मैं आर का वैल्यू क्या रखूंगा, वन। ओके, वन रखेंगे तो सिक्स क्यू प्लस आर, आर की जगह पे वन रखा तो क्या बनेगा ये, सिक्स क्यू, और सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री क्यू और प्लस वन। ठीक है, तो टू इंटू थ्री क्यू अभी अभी हमने डिस्कस किया कि तो इवन बनेगा, और जैसे ही आप इवन में वन ऐड करेंगे वो क्या बनेगा, ऑड। ठीक है, आप कोई भी नंबर देखिए, इवन है इसमें वन प्लस करेंगे तो ये ऑड बनेगा, प्लस वन करेंगे तो ये ऑड बनेगा। ठीक है, तो इवन टू इंटू थ्री क्यू तो इवन ही बनना है, आपने वन क्या ऐड किया वो क्या बन गया, ऑड। अब थर्ड पार्ट देखेंगे, आर का वैल्यू अब हम रखेंगे टू। ये देख रहे हैं आप, रिमाइंडर टू आने पर क्या हो सकता है, देखिए सिक्स क्यू प्लस टू, तो सिक्स क्यू तो हमें पता है इसको टू इंटू थ्री क्यू कह सकते हैं, और प्लस टू, तो इसमें से अगर मैं टू कॉमन लूं तो यहां बचेगा थ्री क्यू प्लस वन। अब देखेंगे ये जो नंबर है टू, ये इस पूरे से डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से। यहां पर और यहां पर क्या फर्क है कि यहां पर ये था टू इंटू थ्री क्यू, कि केवल थ्री क्यू के साथ टू का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर थ्री क्यू प्लस वन पूरे के साथ टू का मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर के साथ अगर टू का मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कुल मिलाकर क्या बनता है, इवन। तो यानी यहां पर भी जो रिजल्ट आएगा आर बराबर टू पर वो इवन आएगा। अब देखेंगे ये जो इवन और ऑड आ रहा है, ये आ क्या रहा, देखिए अभी अभी हमने बोला था कि किसी नंबर को हम इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं, तो हम असल में इस फॉर्मेट से उस नंबर पर जाना चाह रहे हैं। ये जो हम इवन और ऑड बोल रहे हैं ये हो क्या रहा है, ये वो नंबर के बारे में बात हो रही है, जैसे यहां पर 13 था तो 13 नंबर की बात हो रही है। ये जो हम बदल रहे हैं, जैसे आपने 6 2 12 + 1 किया, इससे रिजल्ट तो 13 ही आना है, तो ये जो रिजल्ट सॉल्व करने पर जो नंबर आ रहा है, हम उस नंबर की बात कर रहे हैं कि वो इवन और ऑड होंगे। तो ये जो 6q प्लस 0 मैं कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट इवन का मतलब है कि अगर मैंने रिमाइंडर 0 आ रहा है मेरे पास, तो ये जरूर कोई इवन नंबर डिवाइड हो रहा होगा। समझ गया, यानी r जब हम 0 रख रहे थे, यहाँ पे इवन आने का मतलब है कि जो ये नंबर आता था ना, ये जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, जैसे हम यहाँ पे इन सबको लेके किसी भी एक नंबर को लेके डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर जो नंबर हमने लिया वो ये बताता है वो कि वो इवन होगा। ओके, वैसे ये नंबर बताता है, ऑड बताता है कि वो ऑड होगा, वैसे ये नंबर बता रहा है कि वो इवन होगा। अब हम r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये बनेगा 6q प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3q, और 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। ओके, तो ये बन जाएगा 2 और 3q प्लस 1 और प्लस 1। देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का, तो इसमें से 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 3q और प्लस 1 और प्लस 1। अब देखेंगे आप, ये फिर से ये वाला बन गया। इस पूरे को सॉल्व करने में तो हमें पता है इवन आता है, और इवन में जैसे ही आप वन ऐड करते हैं वो क्या हो जाता है, ऑड। तो यानी अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो जरूर कोई ऑड नंबर होगा। जैसे अभी हमारे यहाँ पर आ रहा था, देखिए यहाँ पे ये 6q प्लस 3 करने पे वो क्या आ रहा था, ऑड नंबर था ना, तो वो बोल रहा है कि 6q प्लस 3 आप जब कर रहे हैं तो जरूर वो कोई ऑड नंबर आ रहा होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू रखेंगे 4, वैल्यू रखें 6q प्लस r 4, तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q और 4 को एज इट इज रहने दीजिए। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3q प्लस 2, यहाँ पे से मैंने 2 बाहर ले लिया। अब देखेंगे फिर से इस पूरे नंबर से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ भी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जब कोई भी नंबर बनेगा चाहे इनको सॉल्व करने पे इवन बने ऑड बने, जैसे वो 2 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इवन। तो r बराबर 4 रखने पर, मतलब जब हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा था तो वो नंबर जो रहा होगा वो पक्का इवन रहा होगा। ओके, अब हम रखेंगे r इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ जाएगा 6q प्लस 5, तो कितना आ रहा है, देखिए 6q और 5 को मैं 4 प्लस 1 कह सकता हूँ, और इसको 2 इंटू 3q प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ पे से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3q प्लस 2 और प्लस 1। अब देखेंगे यहाँ से पता चल रहा था मैं कि इसको मिलाने पर तो आएगा इवन,
और इवन में आपने वन ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ऑड। तो यानी आर इज इक्वल टू फाइव, जब रिमाइंडर हमारा फाइव आ रहा था तो वो नंबर क्या रहा होगा, ऑड रहा होगा। समझ गए आप? ये यहां पर आप देखिए, जब हमारे पास रिमाइंडर फाइव आ रहा था तो वो नंबर क्या रहा होगा, ऑड। तो यहां पर हमने देख लिया कि जैसे ही हम आर इज इक्वल टू जीरो टू फोर रख रहे हैं, उनकी वैल्यू इवन आ रही है देखिए, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर वन आ रहा है, थ्री आ रहा है, देखिए रिमाइंडर थ्री रखा और रिमाइंडर फाइव रखा, वैसी वैल्यू ऑड आ रही है। और ये सब हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे थे, तो यहां से हमारी बात प्रूफ हो गई, इट मीन्स एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होगा, या 6q+3 की फॉर्म में होगा, या 6q+5 की फॉर्म में होगा। ओके, यहां से हमें ये प्रूफ कर लिया। देखिए अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू करेंगे हम लोग। तो आपने करना क्या है, देखिए ये सब तो समझाने वाली बात है। आपने क्या करना है कि इस फॉर्मेट में पहले एक नंबर अज्यूम कर लेना है, बी क्यू प्लस आर हमने कर लिया। यहां से हमें पता चल रहा था कि बी की जगह पे जो डिवाइजर है वो तो सिक्स है, ये हमें पता चल गया, तो हमने 6q+r रख दिया। और r की जगह पे आप 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे, क्यों रखेंगे वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पर 6 डिवाइजर है और डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता रिमाइंडर, वो हमेशा क्या होगा, उससे छोटा ही होगा, डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो अगर डिवाइजर 6 है, डिवाइड करने वाला नंबर अगर 6 है, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है। फिर आपने रिमाइंडर की जगह पे 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यूज रख देनी है। समझ गए आप? तो आपने जैसे ही वैल्यूज रखी, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 5, सारी वैल्यूज रखी, तो एक जगह पे आपको इवन मिलेगा, ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा, ऑड मिलेगा। आप देखेंगे जहां जहां पर ऑड है वहां वहां पे देखिए 6q+1 में आ रही होगी बात, देखिए 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे ही हमारे पास ये आया, हमें पता चल गया कि ऑड नंबर्स जो है पॉजिटिव वाले वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में आते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।